दिल्ली जैसे बड़े शहर में आस्था के नाम पर चल रहे वीरेंद्र देव दीक्षित की अय्याशी का किस्सा अब सरेआम हो गया है। लेकिन ये बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित कौन है और कैसा था इसका आश्रम, आज हम आपको बताएंगे आखिर कैसे लोगों की आंखों में धूल झोंक कर सालों से ये बाबा दिल्ली के पॉश इलाके में अपने घिनौने शौक को अंजाम देता था। आखिर दिल्ली पुलिस की नजर आज तक बाबा के सेक्स यूनिवर्सिटी पर क्यों नहीं पड़ी। मानवीयता के मानक के आधार पर यहाँ रहना किसी प्रताड़ना से कम नहीं है। कम से कम बाबा की सेक्स यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें तो यही कह रही है। इस आश्रम को देखिए जिसे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम से लोग यहाँ सालों से जानते हैं, लेकिन जब से इसके भीतर चल रहे कांडों का पर्दाफाश हुआ है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तमाम सवाल जहन में उठते हैं जब आप दिल्ली के रोहिणी के विजय विहार इलाके में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बाहर का ये नजारा देखते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय और उसके भगवान वीरेंद्र देव दीक्षित की हकीकत। संबंध काय के लिए होता है? संबंध सुख के लिए होता है या बंधन सुख के लिए होता है? संबंध सुख के लिए होते हैं। ये आश्रम खुद को प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सिद्धांतों से जुड़ा बताता है। हालांकि प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आया बयान इस दावे को फर्जी बता रहा है। भारत में घोषित और अघोषित तौर पर करीब 200 आश्रम हैं। फर्रुखाबाद, दिल्ली, कोलकाता, झांसी, लखनऊ, कानपुर, बांदा, माउंट आबू में स्थित आश्रमों में मोक्ष पाने के लिए लोग अपने बच्चों को समर्पित करते थे। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय आश्रम में करीब 70% से ज्यादा महिलाएं हैं। बाबा रोज महिलाओं का रेप करता था। जो लोग बाबा के झांसे में आकर लड़कियों को दान करते थे उन्हें सालों तक बाबा अपने बच्चों से मिलने नहीं देता था। पीड़ित बताते हैं कि यहां अलमारियों में कॉन्डोम समेत कई सेक्स वर्धक दवाइयां रखी जाती थी। इस इमारत को चारों ओर से ग्रिल से जकड़ा गया था, कुछ इस तरह कि बिना इजाजत कोई परिंदा भी यहां पर ना मार सके। रोहिणी के विवेक विहार में आध्यात्मिक स्कूल के नाम पर वीरेंद्र देव दीक्षित ने लड़कियों को घर में रखने का पूरा इंतजाम कर रखा था। लोगों का आरोप है कि बाबा अपने अनुयायियों से उनकी बेटियों को समर्पित करने के लिए कहता था, और तो और उनके हिस्से की प्रॉपर्टी भी हड़प लेता था। जो कोई उसके झांसे में आ जाते थे वो सालों तक लड़कियों से परिवार को मिलने नहीं देता था। बाबा के पाप लोक का भेद तब खुला जब हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली महिला की आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल विश्वविद्यालय के तिलस्मी दीवार को तोड़ते हुए रेप यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। पूरे विश्वविद्यालय में तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान विश्वविद्यालय के अंदर ऐसी ऐसी चीजें मिली जो कृष्ण का ढोंग रचने वाले इस बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को वशी साबित करने के लिए काफी थी। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के अंदर सघन तलाशी के दौरान ढेरों अश्लील वीडियो और किताबें, जोशवर्धक दवाएं और कई आपत्तिजनक सामान मिले। छापेमारी के दौरान जो वीडियो मिला उसने बाबा के दरिंदगी को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सीडी के जरिए ही सामने आया कि वीरेंद्र खुद को कृष्ण बताता और गोपियां बनाने के लिए अनुयायी लड़कियों को संबंध बनाने के लिए आकर्षित करता था। सीडी ने यह साफ कर दिया है कि कैसे विश्वविद्यालय में रहने वाली महिलाओं को नशे की दवाई दी जाती थी। दिन भर चली छानबीन प्रक्रिया के दौरान इस आश्रम में जांच दल ने 14 ताले तोड़े। 14 तालों के भीतर जांच टीम को बहुत सारे आपत्तिजनक दस्तावेज और लड़कियों से संबंधित जानकारी मिली। जांच समिति का कहना है कि साक्ष्यों की जानकारी संबंधित जांच एजेंसी को दे दी गई है। फिलहाल आश्रम अभी तक एक पहेली से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टाइम्स इंडिया।